सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले यूको बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1 रुपए 20 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 57 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है, जहां पर स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 50 रुपीज पर है। 50 रुपीज पर जो ग्रीन कलर के नेक लाइन देख रहे हैं ये स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है और ऊपर में जो रुकावट रेंज है वो 62 रुपीज पर है। जब तक स्टॉक 62 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता, जब तक स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन ही ट्रेंड में ट्रेड कर रहेगा, यानी जब तक स्टॉक एक बार ऊपर में 62 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक फ्रेश खरीदारी करने का मौका मिलेगा। और नीचे में अगर स्टॉक 50 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जहां पर स्टॉक नीचे में 42 रुपीज तक की करेक्शन दिखा सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए। शॉर्ट टर्म के टारगेट अराउंड 62 रुपीज के लिए भी आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जो इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है या वीकली ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए इस स्टॉक में काफी अच्छा चांसेस बनता है, जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए 52 रुपीज के पास एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें, ऊपर के टारगेट अराउंड 62 रुपीज जल्दी अचीव होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद ऊपरी लेवल पर फिर से करेक्शन देखने को मिलती है और नीचे में 52 रुपीज तक की गिरावट आती है और फिर यहां से स्टॉक में निचले लेवल पर एक बाइंग देखने को मिलता है। तो ये इस तरह का स्टॉक का एक ट्रेंड है। तो अगर आप ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।